तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं लूप के अंदर। तो मोतीलाल जी एंड सुरेश जी, मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन दी है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ओके जो सर, लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप इस तरह की लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, मेरा नंबर है, मुझे कॉल कीजिए। तो लूप के बारे में हम चलिए बात करते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट और हम यहाँ पे लूप लिखते हैं, सॉरी लूप नहीं आएगा, लूप नाम का फाइल नहीं होगा, लूप वन कर दीजिएगा, क्योंकि लूप रिजर्व वर्ड है। लूप का यूज क्या होता है? लूप का यूज होता है रिपीटेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में मैं एक छोटा सा ये बना लेता हूं, एक स्टिकर टाइप का कुछ छोटा सा डेटा बनाता हूं, और यहां पे मैंने टोटल दे दिया और यहां पे मैंने इक्वल सम कर दिया, और इसको हमने यहां से फॉर्मेट सेल बॉर्डर, हमने बॉर्डर दे दिया। ये डेटा हमारे पास आ गया। अब मैं इसको कॉपी करके मान लीजिए 3 बार, मतलब नीचे 3 बार 5 बार इस तरह से लिखना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा? तो जनरली हमने किया रेंज, और यहां ब्रैकेट A1 से लेके C6 .com। कॉपी फिर मैं यहां रेंज A65000 .n डॉट इन एक्स लेस ऑफ एक्सेल आओ डॉट डॉट ऑफसेट टू कॉमा जीरो डॉट पेस्ट स्पेशल। पेस्ट। पेस्ट नहीं होगा क्योंकि पेस्ट थी सीट पे जाना पड़ेगा ना। अब मैं इसको एक बार रन करूंगा तो एक बार कॉपी करेगा, दो बार जैसे जैसे करता जाऊंगा ऐसे नीचे कॉपी पेस्ट करता जाएगा, लेकिन मुझे रन करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं इसको 5 बार या 10 बार ऑटोमेटिकली रन कर दो, ठीक है? तो मैं इसको दो तरीके, ये तो मैं कॉपी करके इसको पेस्ट 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 5 बार पेस्ट कर दूं इसी कोड को, क्या अब मैं रन करूंगा तो देखेंगे 5 बार पेस्ट हो गया। आप बोलेंगे कि सर आपने जो पेस्ट किया है सिर्फ आपने पेस्ट स्पेशल वाले लाइन को पेस्ट क्यों किया, कॉपी क्यों नहीं किया? तो लूप का सबसे पहला रूल ये होता है, आइडेंटिफाई द रिपीटेड कोड। आपको कौन सा कोड को रिपीट करना है उसको आइडेंटिफाई करना। तो मुझे इस कोड को रिपीट करना है, इसलिए इसको हमने आइडेंटिफाई, क्योंकि हम पता है कि कॉपी करने की एक बार कॉपी करने के बाद हम उसको कई बार पेस्ट कर सकते हैं, समझे? ओके हाँ सर, सर, इसलिए हमने इसी लाइन में कॉपी पेस्ट किया। अब इसको मैं बार बार कॉपी पेस्ट करूं उससे बेटर है कि लूप में डाल दूं कि 1 2 5। 1 तो हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया। फिर फिफ्टीन हो नेक्स्ट आई गए। तो 15 हो गया, चलिए 5 कर दिए, 15 कर दिए, जो देना दे सकते हैं आप। अब मैं इसको रन करूंगा तो रन करने के साथ आप देखिए 5 बार कॉपी पेस्ट हुआ। अब इस चीज को समझते हैं कि आखिर ये लूप काम कैसे कर रहा है। हालांकि इससे पहले भी मैंने आपको इसको बताया था, लेकिन अभी डिटेल में समझा रहा हूं। तो इसके लिए हम करेंगे एफर्ट। एफर्ट क्या होता है? स्टेप इन्फो 1 बाय 1 चलता है। हमने एफर्ट किया, एफर्ट करने के बाद इसने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे आई क्या है, 0 है। जैसे एक बार चलेगा तो आई हो जाएगा 1। अब यहाँ आई क्या है, आई एक मुनीम है जो कि काउंट करता है कि लूप कितना बार चल चुका है, और नेक्स्ट क्या है, चेक करता है कि आई कितना बार चल चुका है, क्या इसकी मैक्सिमम से ज्यादा हो गया है। तो फिर नेक्स्ट क्या करता है, लूप को खत्म कर नीचे कोड को रन करने के लिए दे देता है, ठीक है? बराबर, यस सर। नीचे नीचे कोड तभी रन होगा जब हमारा आई अपने मैक्सिमम से बढ़ जाएगा, ठीक है? आई एक वेरिएबल है इंटीजर लॉन्ग की तरह, तो इसको हम कहीं यूज भी कर सकते हैं और हमने कई जगहों पे किया भी है, ठीक है?
हर बार जो है ये अपने आप को बढ़ाता रहता है, ठीक है। और सर। जैसे ही खत्म हुआ I6 हुआ, इसी दे यहां पे आ गया, आ गया सर। बराबर। अब I की जगह कुछ भी ले सकते हैं, XYZ ABCD एनीथिंग ले सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि आई जो नंबर है उसको क्या और भी यूज की जा सकती है, जरूर की जा सकती है। जैसे मान लीजिए मुझे 1 से लेके 100 तक का सीक्वेंस लिखना है C4 के अंदर, तो हम यहां पे क्या करेंगे। अब इस पे दो तरीके यूज की जा सकते हैं। 1 to 100 मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे कि रेंज ए, ए के साथ हमने आई को कंबाइन किया, डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने यहां पे इक्वल टू आई आई। डाल दिया। अब इसको रन करेंगे तो देखिए सीक्वेंस आ गया। ये कॉपी हटा दीजिए, कॉपी बगल में आ गया 100 तक सीक्वेंस। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है यहां पे कि रेंज ए 65,000 डॉट एल डॉट एक्सेल डॉट एक्स एल एस एक्सेल आप डॉट हाँ ऑफसेट ऑफसेट 1,0 वन जीरो डॉट वैल्यू इक्वल टू आई, ठीक है। अब मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं पहले, वरना इसी के नीचे चला जाएगा। दिखा सर। यस सर। अब दोनों में डिफरेंस को समझिए। देखिए ऊपर वाला लाइनिंग क्या था, वो फिक्स था, एक A1 से लेके 100 तक ही चलेगा। तभी अगर मान लीजिए डेटा आपको A15 से शुरू हुआ तो फिर यहाँ पे I को +4 5 करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी, I अगर आपका क्या है सीक्वेंस हो तभी जाएंगे ना नंबरिंग में। मान लीजिए डेट हुआ तो मुझे 1 से लेके 10 तक का या 1 से लेके 100 100 दिनों का डेट चाहिए, तो मैंने 1 जनवरी से चाहिए मुझे, तो 1 जनवरी से लिया हमने यहाँ पे 365 दिन का मान लीजिए डेट मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे जरूरी है कि 1 से स्टार्ट होगा ये आपका, यहाँ से भी स्टार्ट होगा +364, समझे। अब जो है हम इसको रन करते हैं। देखा सर, डेटा डेटा सारा डेटा आ गया, 31 दिसंबर तक डेटा आ गया। और इस केस में हम इसका इस्तेमाल तो नहीं कर सकते थे ना, इस कोड का कर बराबर है पाते सर। नहीं। नहीं करने के लिए कुछ तिगड़म करना पड़ता, कर तो सकते थे पर कुछ तिगड़म करना पड़ता। करना पड़ता है हाँ, और दूसरी चीज है कि लूप हमेशा लोअर टू हायर हो सकता है मेन एक्चुअल, लेकिन इसमें लूप के अंदर स्टेप होता है, स्टेप का यूज करते हैं, तो आपका लोअर टू हायर भी हो सकता है, एक दो दो का गैप भी हो सकता है, वो आगे क्लासेस में समझाऊंगा मैं आपको। फिलहाल ये समझ में आ गया आपको कि लूप हाँ सर में हाँ जब सर लूप का जब यूज करेंगे, आई जब यूज करेंगे तो आई यूज कहाँ करेंगे और किस किस सिचुएशन में करेंगे, ये समझ में आ गया। यस सर यस सर, क्लियर है इसमें। हाँ सर अब बात क्लियर करते है हैं कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप कैसे रखेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे यहां 100 तक का नंबर लिखना है, लेकिन सर। 5 कॉलम को लेते हुए, जैसे 1 2 3 4 5, 4 5, फिर यहां पे आपका 6 7 8, इस तरह से 100 तक चाहिए, ठीक है सर। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहां पे करते हैं सब्जेक्ट लूप _3 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां पे लगाऊंगा कि मुझे चाहिए कि 4 i = चले 1 to 20, क्यों। हमने i को क्या मान लिया, रो मान लिया, तो अगर 100 संख्या चाहिए हमें तो 100 में 20 रो चलेगा ना, और 5 कॉलम, क्या सर। बराबर 1 to 5, तो एक बार जो लूप चलेगा तो 5 बार क्या चलेगा, जे चलेगा, समझे। फिर यहां पे लिखते हैं सेल आई रो हो गया
जे कॉलन हो गया डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, मान लीजिए आर ले लिए, और यहां हम आर आर इज इक्वल टू इक्वल आर प्लस वन कर देते हैं। आर के ऊपर डिफाइन कर दीजिए कि डिम आर एज ए लॉन्ग इंटीजर जो देना चाहते हैं दे दीजिए। अभी कैसे वर्क कर रहा है देखिए, मल्टीपल लूप हो गया, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो ये आपका एक आई एक चला रो, मतलब कि पहली रो में चल रहा है, रो नंबर वन में। तो पांच कॉलन है तो यहां पे जे 5 बार चलेगा, एक ए, ये देखिए वन रो वन कॉलन, ए वन पे डल गया वन। फिर नेक्स्ट में आई तो वही है हमारा, वन ही है ना। जे क्या हो गया, टू हो गया। आर पे पहले से वन था, उसमें वन जोड़ के टू बना दिया, यहां पे टू आ गया। थ्री फोर फाइव, अब फाइव हो गया तो वापस आई के पास आ गया। आई फिर अपने आप चेंज किया, टू कर दिया, टू हो गया सर। फिर जे 5 बार चलेगा, फिर आई 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका रो एंड कॉलम का सीक्वेंस होगा। तो कोई रो एंड कॉलम में डेटा डालना हो या रो एंड कॉलम से डेटा उठाना है तो आपको इसी तरह से आई और जे को यूज करना होगा, आई रो के लिए और जे कॉलम के लिए। क्लियर है? यस डाउट इसमें? क्लियर नहीं सर नहीं नहीं सर। इसी अंदर हमारे तीसरा लूप होगा तो इसके अंदर और तीसरा लूप चला जाएगा। और सर तीसरा लूप कैसे चला जाएगा, मतलब? चलिए तो तीसरा लूप के बारे में भी देखते हैं। जैसे यही नंबर है जो डेटा, इसी डेटा को लेकर चलते हैं लूप फोर। अब मुझे इसमें क्या है कि जो प्राइम नंबर है ना सिर्फ उसी का उठाना है। तो प्राइम नंबर क्या करता है, क्या होता है, जो खुद से या वन से डिवाइड होता है, बाकी किसी डिवाइस से डिवाइड नहीं होता है ना। तो अब यहां हम जो है ये आर लेते हैं और इस आर को यहां से हटाते हैं और आर इक्वल टू ए ले लेते हैं सेल की वैल्यू। और फिर यहां पे करते हैं कि फोर फोर के इक्वल टू चले टू टू आर माइनस वन और नेक्स्ट के, ठीक है। और इसके इसके बाद यहां हम क्या कर देंगे, कि इफ के मोड, सॉरी के नहीं, आर आर मोड के, देन यहां हम करते हैं डिम पी एज ए ऑल्सो लॉग इक्वल टू 0, देन पी इक्वल टू 1। या पी 1 करने की जरूरत ही नहीं है, हमें डायरेक्ट वैल्यू एच पे चाहिए ना, तो पी की जरूरत नहीं है, पी हटा दीजिए। देन यहां हम लिखेंगे रेंज एच 65,000 डॉट एन एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आर, और यहां पे एंड इफ, ठीक है। अब सर देखिए ये आर आर इज इक्वल टू जो लगा है उसमें वैल्यू डॉट वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं रहेगी ना। आर वेरिएबल है ना सर, अच्छा रेंज होगा तब ना करेंगे। अभी क्या करेगा, तीन लूप लगा, पहला चला ये, ये चला आर के ऊपर कौन सा स्टोर गया, वन स्टोर गया। अब यहां पे देखिए फोर नेक्स्ट जे आ गया, के नहीं चला, क्यों नहीं चला के, क्योंकि टू से डिवाइडेड स्टार्ट है ना इसलिए। फिर यहां पे अब के चलेगा, कितना है नंबर, टू है, टू से वहां यहां भी बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि कम था, टू ऑलरेडी मोड हाई डे। फिर वापस थ्री है,
अब थ्री में अब क्या हो गया, टू 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 चले गए, यहां पे बाहर आ गया। अब यहां देखिए, अब फोर आ गया यहां पे, आर की वैल्यू क्या हो गई, फोर हो गई। और फिर ये क्या कर रहा है, दो दो से थ्री चला रहा है, ठीक है। और चेक इसको मोड क्या करता है, रिमाइंडर से इसको निकालता है। अच्छा, इसमें नॉट इक्वल टू करना था, माफ कीजिएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं, दैट इज इक्वल टू जीरो, ये गलत हो गया सर, पी लेना ही पड़ेगा। P इक्वल टू यहाँ पे P इक्वल टू P प्लस वन, और फिर यहाँ एक और इफ लगाना होगा कि इफ P इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो देन डेटाबेस करना है, ठीक है। P इक्वल टू पापा जीरो कर देना है नेक्स्ट वैल्यू के लिए, और रन कीजिए। चार चार आठ 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 आठ, ये कैसे आ गया, ये चार कैसे आ सकता है। कोई भी गलत है, देखिए एक बार चेक करते हैं क्या गलती है, पता चल जाएगा। कि आर क्या है, टी है, पी यहां पे क्या है, वन, ओके, यहां पे इक्वल टू जीरो करना था हमें, अब सही है। सिर्फ तीन ही आ रहा है, अब सही है। लेकिन कई बार रिपीट हो गया ना, रिपीट हो रहा है शुरू, हाँ, रिपीट होने के पीछे लेकिन रीजन है कि ये जो एंड इफ हमने नेक्स्ट के अंदर डाला है, इसको ना डाल के हमें इसके अंदर डाला, ठीक है। क्योंकि ये भी एक देखना होता है कि लूप के अंदर, अब देखिए एक बार आ रहा है, आ रहा है सर, तो ये लूप जो लगाएंगे तो इसका भी कुछ ध्यान रखना होगा,
सर ये ऑड है तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि ऑड ऑड ये आएंगे मतलब फिर ऑड हो नंबर्स। जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई टू कर दीजिए, मोड बाई टू कर दीजिए, यहाँ पे टू होगा हाँ वही तो तो, इवन होगा डिवाइड से। ऑड नंबर चाहिए ना। हाँ के है ना, डिवाइड बाई के किया हमने, तो टू टू हो जाएगा डिवाइड बाई। ठीक है, तो इसकी कीजिए प्रैक्टिस, कल की क्लास में हम इस सारे चीजों पर डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, ओके बाय। ओके सर, थैंक यू। हेलो उज्ज्वल जी, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, आप बताइए।